नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लैपटॉप को या फिर पीसी को स्पीड अप कर सकते हैं और कैसे उसका जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए बने रहिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी मज़ेदार और टेक्निकल वीडियोज़ के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो बात है, जब आप कभी कभी लैपटॉप या पीसी ओपन करते हैं तो उसको ओपन होने में भी टाइम लगता है और उसमें बाद में भी काफ़ी लैग आता है। तो उसको थोड़ा स्पीड अप कैसे कर सकते हैं बिना उसका रैम या फिर प्रोसेसर अपग्रेड किए, फ्री में कैसे आप उसको थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हैं, ये मैं आज अभी बता देने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं पीसी लैपटॉप के स्क्रीन पे और वहीं पे मैं आपको पूरी डिटेल्स दे देता हूँ। हाँ, तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स और टिप्स ऐसे दिखाऊंगा और एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने लैपटॉप को काफ़ी हद तक स्पीड अप कर सकते हैं और उसका परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका परफॉर्मेंस आप थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर लेंगे। तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर है उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका नाम है सी क्लीनर। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएगा यहाँ पर सी क्लीनर, इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री है बिल्कुल ही। तो इसको हम ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये इसका डैशबोर्ड है और यहाँ पर सारे आपको जिससे भी ये क्लीन करेगा वो सब दिखा देगा और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन दिखा देगा। तो ये यहाँ पर आ गया और अब इससे कैसे आप इसको स्पीड अप कर सकते हो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक एनालाइज का बटन मिलेगा और यहाँ पर आपको एक रन क्लीनर का बटन भी मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग एनालाइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये ऐसे घूमेगा और यहाँ पर ये सब कुछ एनालाइज कर रहा है कि कितना कैच या फिर कितना प्रॉब्लम है, जंक फाइल्स है, इसको ढूंढ रहा है। इसको थोड़ी देर होने देते हैं। फायरफॉक्स का अगर आपको स्पीड अप देखना है तो यहाँ पर मैंने ऊपर यहाँ पर कार्ड दे दिया है, यहाँ पर से आप देख सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 सेकेंड में इसने एनालाइज करके दिखा दिया है कि यहाँ पर 182.9 MB का कैश है या फिर जंक फाइल है जिसको रिमूव करना पड़ेगा और यहाँ पर ये सब के ये कैश फाइल्स या फिर जंक फाइल्स है। सबसे ज़्यादा जहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ये फायरफॉक्स इंटरनेट कैश और उससे थोड़ा कम है, सबसे ज़्यादा है यहाँ पर सिस्टम विंडोज लॉक फाइल। ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब जस्ट आप यहाँ पर रन क्लीनर यहाँ पर जैसे दिख रहा है यहाँ पर रन क्लीनर पे क्लिक करेंगे और ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये क्लीन कर रहा है तो ये एनालाइज से ज़्यादा टाइम लेगा। तो हम इसको भी थोड़ी देर होने देंगे। तो ये हो रहा है धीरे धीरे। तब तक हम कुछ और बात कर लेते हैं जब तक ये हो रहा है। मतलब अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ नहीं करते, विंडोज़ 8 यूज़ करते तो उसमें ये सॉफ्टवेयर तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन उसके अलावा उसमें एक और भी सिस्टम होता है जिससे आप इसको क्लीन कर सकते हैं। वो है आप अगर विंडोज़ 8.1.7 ऐसा XP ऐसे में अगर कंट्रोल दबा के F दबाएंगे तो आपको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट ऐसे यहाँ पर कॉर्नर में ओपन होगा या फिर कहीं पे भी ओपन होगा, वहाँ पर आपको हैश डालना है, वहाँ पर TEMP फिर हैश डाल के इंटर मारेंगे तो वहाँ पर एक कुछ एक फाइल लिस्ट ओपन हो जाएगा। तो उस फाइल लिस्ट को आपको खोलना है और उन जितने जो भी उसमें फाइल्स है छोटे छोटे उन सबको एकदम सिर्फ डिलीट करके पूरा डिलीट कर देना है, जिससे आपको क्या होगा वो सब जंक फाइल्स है जो शायद कभी सी क्लीनर भी नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा जिससे आप बहुत ही आसानी से अपने लैपटॉप को थोड़ा बहुत स्पीड अप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको परमानेंटली कुछ मतलब बहुत लैग हो रहा है तो उसको अगर आपको क्लीन करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने सर्च बार पे जाके सर्च करना होगा रिफ्रेश PC। वो 10, 8, 8.1, 7 वो सब में होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसने 201 सेकेंड लिए इस पूरे जंक फाइल को क्लीन करने में। तो इसको क्लीन करने के बाद ये थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। इसके अलावा एक और फीचर है यहाँ पर जो उसको मैं भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको रजिस्ट्री दिखेगा, रजिस्ट्री, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस सबको टिक पे ही रखना है, इनको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लिखा होगा स्कैन फॉर इशूज, इस पर क्लिक करेंगे और ये थोड़ी देर स्कैन होगा। तो इसको भी होने देते हैं फिर से।
हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ये स्कैन होने के बाद यहाँ पर हमें चार ऐसे कुछ डिफॉल्ट मिले हैं जो ठीक नहीं है। तो ये और भी हो सकते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं हो सकते कभी कभी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिक्स सिलेक्टेड इश्यूज इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे, ये ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर एक एक को भी आप कर सकते हैं, ये मैं हमेशा फिक्स ऑल सिलेक्टेड इश्यूज मारता हूँ और ये एक धक्के में सब इस फिक्स हो जाता है, ये कम्प्लीट। आप इसको क्लोज कर देंगे, इसका काम ख़त्म हो गया। अब इसने क्लीन और रजिस्ट्री क्लीन सब कर दिया है। अब इसके बाद थोड़ा और एक और चीज़ है जो मैं दिखाना चाहता हूँ, जो आपके बैकग्राउंड प्रोसेस है, जैसे आपके फ़ोन में बैकग्राउंड प्रोसेस चलते रहते हैं, इसमें भी ऐसे बैकग्राउंड प्रोसेस है जो पीछे पीछे चलते रहते हैं और आपका रैम खाते रहते हैं और प्रोसेसर को स्लो करते हैं, जिससे आपका कंप्यूटर या फिर पीसी जो भी बोलते हैं उसको आपको स्लो कर देता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या, और ये टास्क मैनेजर क्या है, टास्क मैनेजर आपका जो कंप्यूटर या पीसी का, लैपटॉप का जो भी है उसका सारा टास्क जो भी चल रहा है, बैकग्राउंड फोरग्राउंड जिस जहाँ पे भी, उसका पूरा लिस्ट बनाता है। तो हमेशा चलता रहता है, हिलता रहता है पूरा, कौन कितना क्या खा रहा है ये सब दिखा देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर CPU पूरा फुल हो चुका है मेरा, यहाँ पर मेमोरी मतलब रैम भी 80% फुल है, डिस्क थोड़ा कम है और नेटवर्क तो अभी कनेक्टेड नहीं है इसलिए नेटवर्क नहीं दिखा रहा है, लेकिन CPU पूरा फुल है। मतलब ये बैकग्राउंड में यहाँ पर जो ऐप्स दिखेंगे आपको, ये दो अभी चल रहे हैं मेरे, टास्क मैनेजर और फिल्मोरा, जिससे मैं अभी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी उसके अलावा जो भी, ये ज़्यादा नहीं खा रहे, लेकिन इसके अलावा जो बैकग्राउंड प्रोसेसर है ये बहुत सारा आपका खा जाते हैं, जो भी बोले रैम या फिर प्रोसेसर। तो हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको सब दिखेगा, दिख रहा है ऐसे इतने सारे हैं। और ये इसके अलावा ये सब मेरे थे, और इसके अलावा विंडोज़ प्रोसेसर भी है, तो ये भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं रैम को, सब कुछ इतना। ये सिस्टम को हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि सिस्टम को कुछ करने से पूरा लैपटॉप का ये बिगड़ सकता है। उसके जगह पे हम जो हमारा है, जो मतलब हमने इंस्टॉल किया है, उन सब को अगर हम कुछ कुछ कम कर पाए, जैसे कि यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, ये सी क्लीनर का भी बैकग्राउंड प्रोसेसर ऑन है, एंड टास्क दिखेगा, उस एंड टास्क पे हम क्लिक करेंगे और ये गायब हो जाएगा, मतलब ये बंद हो चुका है। तो ये एक अच्छा ट्रिक है। और तो ये सब ट्रिक्स थे, मैंने आपको दिखा दिया है, बाकी के इसके जो भी डिटेल्स हैं वो मैं अभी दे देता हूँ। तो चलिए फिर से देख लेते हैं बाकी के डिटेल्स। तो दोस्तों, आप सबको पसंद आया होगा ये वीडियो, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, मुझे भी फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे, और सी क्लीनर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने पीसी को स्पीड अप कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, गुड बाय।